अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि है माइक की। क्योंकि अगर आपने वीडियो ओपन की है तो ज़ाहिर आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल पे यही लिखा हुआ था कि हाउ टू बिकम अ फेमस यूट्यूबर। तो फेमस होने के लिए सबसे पहले तो अगर आपने फेमस होना ही है यूट्यूब पे, तो वैसे इवन के सबका यही ख्याल होता है कि यूट्यूब पे फेमस हों, फेमस होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और वो है एक माइक और दूसरा है कैमरा, यानी कि आप जिस वीडियो बना रहे हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे से नज़र में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो वॉइस होती है। मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियो पे वॉइस ओवर किया हुआ है, क्योंकि अभी इस माइक की मैं जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो मैंने अभी फिर इस बॉक्स की वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यानी कि इस जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये माइक निकाल के मैं अपने मोबाइल के साथ लगा के मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोबारा इस पर अपलोड कर रहा हूँ। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो पे मैंने यही माइक इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए किया है कि मैंने कहा आप देख सकूँ कि वीडियो मैं ख़ुद भी देख सकूँ और आप लोग भी देख सको कि इस माइक की क्वालिटी कैसी है। तो 750 रुपये का ये माइक है, 750 रुपये का माइक है। लेकिन इस माइक की खासियत पता क्या है, वो है इसका जैक, वो है 3.5 mm जैक के साथ है, दूसरा HD क्वालिटी है, दूसरा सब वूफर के साथ है। और इसका मैं तुम लोगों को नाम बता देता हूँ, ये ZOO MMKF01 के नाम से ये कॉलर माइक है। और इसको क्या कहते हैं, दराज़ या ऑनलाइन वेबसाइट पर मैंने इसकी प्राइस काफ़ी चेक की है, काफ़ी सब वेबसाइट पे इसकी प्राइस कम है, क्योंकि जो प्राइस मैंने लिखी हुई है ये 750 रुपये के। अगर किसी ने बाय करना है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो मैं इसकी कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग। अच्छा दोस्तों, मैंने अनबॉक्सिंग इसकी कर ली है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी लाजमी वीडियो के एंड तक देखो, गौर से सुनो, ताकि आपके काम आ सके। तो अनबॉक्सिंग कर ली है, तो अनबॉक्सिंग में वारंटी कार्ड है इसका, जो कि ना होने के बराबर है। अगर ये आपका ख़राब निकल आता है या अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप इनके पास क्लेम करने जाएंगे, तो पहली फुर्सत में निकल। वारंटी कार्ड शायद इसका सिर्फ नाम का ही है। तो अभी जो 750 रुपये आपके लाल हुए हैं या राम में गए हैं, या मेरे कहने का मतलब ये है कि 750 रुपये में आजकल मिलता क्या है। मैंने क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 750 रुपये में 3.5 mm जैक का जो माइक है, जो कि कॉलर माइक है, किसी सूरत भी नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि ये माइक कंप्यूटर पर भी लग जाता है, मोबाइल पर भी लग जाता है, कैमरे पर भी लग जाता है। आपको याद होगा मैंने बोया का माइक की वीडियो बनाई थी, तो उसकी तार की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही नरम थी। इसकी क्वालिटी चेक करें आप, ये देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो में नज़र है, इसकी तार की क्वालिटी काफ़ी मोटी है। और इसका जो जैक है वो 3.5 mm जैक है, जो कि अगर आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, आजकल जो चल रहा है वो 3.5 mm जैक चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर की है, यानी कि 15 फीट की इसकी तार है। 750 रुपये में 15 फुट तार मिल रही है। दूसरी बात यह है कि 3.5 mm जैक है, 750 रुपये में नहीं मिलता। अगर आपने YouTube पे वीडियो बनानी है तो सबसे पहले आपको माइक ख़रीदना पड़ता है। माइक सबसे अच्छा ख़रीदेंगे आप, समझे, 4000 का माइक ख़रीदें, 5000 का ख़रीदें, जो कि बोया ब्रांड के हैं। कुछ और ब्रांड भी आजकल आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैंने बोया की जो वीडियो बनाई थी तो उसकी जो तार की क्वालिटी थी वो बहुत ही नरम थी, यानी कि वो ख़राब होने के चांसेस हैं उसके। लेकिन इसकी जो तार की क्वालिटी है काफ़ी हार्ड है, यानी कि मज़बूत है। पार्टी में इस्तेमाल करना है या किसी महफिल में इस्तेमाल करना है तो भी ये इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये मोबाइल पर अटैच हो सकता है। क्योंकि मैं ख़ुद अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ, तो DSLR के साथ लगाना है या वेबकैम के साथ लगाना है, कंप्यूटर के साथ लगाना है, तो उस पर भी सपोर्टेड है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 750 रुपये में आजकल मिलता कुछ भी नहीं है। 750 रुपये में 3.5 mm जैक मिल रहा है, वो भी आप इस पे वीडियो बनाएं। मैं खुद इसी पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, खाली वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। टेस्ट ले लें थोड़ा सा अच्छा करके, ताकि आप लोगों को
समझ अच्छी आ जाएगी या वीडियो मेरे हिसाब से अच्छी बन जाए, ताकि आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 750 रुपये में माइक अच्छा मिल जाता है। क्योंकि मैंने बोया का माइक भी चेक किया है, उसकी तार की क्वालिटी भी लूज बहुत ही बारीक है, दूसरा है उसके अंदर सेल भी डलते हैं, और इस माइक के अंदर कोई सेल शेल नहीं है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तो आपके अगर कोई सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट्स कर दीजिए, या पेज पे मेरे इंस्टाग्राम पे पेज है, मेरा फेसबुक पे भी पेज है, और मेरा अपना पर्सनल जो अकाउंट है उस पे भी आप मुझे मैसेज कर दें। अगर कोई काम की कोई कोई सवाल जवाब है, आप मुझे कोई बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Want you to know when you feel all alone, where to begin when you